हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा शुरुआत हो रही है महायुद्ध की। लास्ट के बेटा 10 to 15 days बच आप लोगों के बचे हैं, और इस टाइम पे बेटा नई कोई भी चीज नहीं पढ़ना। अगर अभी तक बेटा कोई भी चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको प्लीज टच मत करिए। और लास्ट के 15 days में किस तरीके से रिवाइज करवा रहा है और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, कैसे आप लोगों के मॉक टेस्ट आ रहे हैं, सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बात बेटा बोलना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, प्लीज भटकना मत। लास्ट के 10-15 days सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। बस मेरे को आप लोग के 2 to 3 hours चाहिए होंगे डेली, और आप देखिएगा कितनी शानदार तरीके से हम लोग रिविजन करेंगे। हर एक सेशन में लगभग लगभग 50 to 60 marks आप लोग के लॉक करते हुए चलेंगे, आप लोगों को रिवाइज करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले देखिए बेटा लास्ट के 10 days में आप लोगों का जो मेजर फोकस है वो कहां होना चाहिए। रिविजन, रिविजन, रिविजन। बिलीव मी बेटा, आप लोगों को चीजें आती हैं, आप लोगों को बेटा फॉर्मूले याद हैं, लेकिन बेटा आप लोग उनको भूलते जा रहे हो। आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स की हेल्प से करिए बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के शॉर्ट नोट्स हैं बेटा, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज्वाइन करिए और वहां से आप लोग पढ़ते हुए चलो। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं सारी चीजें बेटा आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लो और वहीं से ही आप लोग पूरा का पूरा रिवाइज करिए। अब बेटा हमारे पास समय नहीं है कि जब हम लोग पूरे के पूरे जो डिटेल नोट्स होते हैं वो लोग वहां से पढ़े। आप लोग कहां से पढ़ रहे हैं बेटा, रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। ठीक है, और कोई भी नई चीज मत पढ़ो। आप लोगों ने सपोज करो केमिकल बॉन्डिंग कभी नहीं पढ़ा है, अब बेटा लास्ट के 15 डेज में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज आपने पढ़ रखी है एंड स्पेशली जो हाई वेटेज चैप्टर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो। एक एक चैप्टर से बेटा 3-3, 4-4 सवाल आते हैं आप लोगों के, तो इन चैप्टर्स को, हाई वेटेज चैप्टर जो आपको आते हैं, नए चैप्टर मत छूना। जैसे सपोज करो अभी तक बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा तो आप छोड़ दो, अब पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। जो चैप्टर अब पढ़ रखा है उसी को ही हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई सी भी नई चीज बेटा नहीं उठाइए। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है रिविजन का, वो मैं अभी आप लोग को पूरा पूरा प्लान बताने वाला हूं, मैं आप लोग को शेड्यूल भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मैं सभी बच्चों से करूंगा कि जो भी चीज आपने अभी पढ़ रखी है, सपोज करो बेटा केमिस्ट्री का आप लोगों का 80% सिलेबस कंप्लीट है, ऐसे फिजिक्स का है, ऐसे ही बायोलॉजी का है, आप लोग बेटा उतना ही अब पढ़िए और बार 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 उसे रिवाइज करिए। कम से कम बेटा 2 to 3 times आप लोग नीट से पहले रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे आइए बेटा किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं लास्ट के 10-15 days में। ठीक है, YouTube पे सेशन चलेंगे, हर सेशन में बेटा हम लोग लगभग लगभग 50 to 60 marks तक का आपका लॉक करते हुए चलेंगे। ठीक है, थ्योरी भी आप लोग ही पढ़ाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रैक्टिस में मेनली आप लोग क्या लेने वाले हैं, PYQs लेने वाले हैं यूट्यूब पर। ठीक है, 2 to 3 hours का आप लोग का यूट्यूब का सेशन रहेगा। ज्यादा बेटा समय देने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बेटा 10-10 hours, 12-12 hours के वो सेशन लूंगा, वो मैं भी लूंगा जब आप लोगों को कंप्लीट क्लास 11th की केमिस्ट्री कराऊंगा, कंप्लीट क्लास 12th की केमिस्ट्री करवाऊंगा। 2 to 3 hours मैं अभी आप लोगों के यूट्यूब पर लेने वाला हूं। एंड ऐप पर बेटा स्टार्ट हो रहे हैं आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। किसके बेटा, केमिस्ट्री के। कब से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 23 April से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग का बेटा टाइम रहेगा 9 o'clock, और डेली हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे ऐप पर। ऑब्वियसली इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। कोर्स का नाम क्या है, जिद है, एनरोल नहीं करा है तो कर लेना। इसका लिंक भी बेटा मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो मॉर्निंग में 10 o'clock लगभग लगभग 1 hour की क्लास रहेगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड यूट्यूब के सेशन 2 to 3 hours के रहेंगे। कब रहेंगे बेटा, हमारा टाइम फिक्स्ड है। टाइम क्या है बेटा, शाम को 6 o'clock हम लोग मिलते हैं। चैनल का नाम बेटा NEET@247 है, और स्टार्टिंग के जो 3 sessions है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, और यही है बेटा मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन राइट नाउ। अब बेटा चैप्टर वाइज अपन लोग नहीं चल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे 22 April कल हम लोग मिल रहे हैं, जो 50 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं आप लोग के लास्ट 5 years के एनालिसिस करी है पेपर की, जब से NTA आया है तब से देखा गया है कि कौन से सेशन आप, कौन से सवाल आप लोगों से ज्यादा पूछ रहा है। तो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो है 50 topics वो मैं आप लोगों को कल करवाने वाला हूं 22 April को। बिलीव मी बेटा 50 topics हम लोग जो सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं वो कर रहे हैं ना, तो यहां से बेटा 35 to 40 topics आप लोगों को नीट के एग्जामिनेशन में भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फिर 23 April को जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है वो सारी चीजें बेटा वन शॉट में कर लेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है सब कर लेंगे। यहां से बेटा आप लोग 40-50 numbers तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक बेटा भर भर के पूछी जाएगी नीट 2024 में, तो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है।
फिर आप लोग बोल रहे थे कि सर सारे के सारे नोटवा का सेशन ले लो। नोटवा क्या होता है बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को 24 अप्रैल को हो जाएंगे। देखिए बेटा थंबनेल सबके बन चुके हैं, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कब कर रहे हैं, कल 22 अप्रैल को। ऑल नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कब कर रहे हैं बेटा, 23 अप्रैल को। जितना भी बेटा नोटवा में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे, सारे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों केमिस्ट्री मिला के मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं 24 अप्रैल के। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन है। चैप्टर वाइज बेटा चलोगे, इतने तो दिन ही नहीं बचे हैं, इतने तो दिन ही नहीं बचे हैं आप लोगों के पास कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकें। बेटा आप लोग रिवीजन करिए शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, सारी चीजें बेटा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं और इस तरीके से मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं। कंप्लीट क्लास 11th की केमिस्ट्री भी करवाऊंगा, कंप्लीट क्लास 12th की केमिस्ट्री भी करवाऊंगा, लेकिन इसको फॉलो करिएगा, शिद्दत से फॉलो करिएगा, ठीक है। कल बेहद इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है जिसमें हम लोग कर रहे हैं 50 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स करवाने वाला हूं। जितने भी बेटा आप लोगों के मेजॉरिटी सवाल बेटा आप लोग देखना यहां से बनेंगे, है ना। 35 टॉपिक्स तो डेफिनेटली आप लोगों को 2024 में ही टकराने वाले हैं, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट में डाल दूंगा, वो आपको नीट अड्डा चैनल पर भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। वहां पर जाइएगा, लाइक मारिएगा, अटेंडेंस लगाइएगा अपनी, ठीक है। जोश हाई रखिए, अपने आप पर बिलीव रखिए कि यस मैं अभी भी एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकता हूं। अगर आप लोग बेटा मेरे से एक दिन पहले भी पूछोगे, 5th मई को एग्जाम है, आप मेरे से 4th मई को भी पूछोगे कि क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, तो यस आप लोग बेटा कर सकते हो। मेहनत करनी है, बिलीव रखना है, बिल्कुल भी हमको आगे का नहीं सोचना है, 5th मई को बस अच्छा एग्जाम देना है, यही हमारा मोटिव है, ठीक है। तो 50 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स 22 अप्रैल कल मिलते हैं बेटा और महायुद्ध को बेटा आरंभ करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, खूब सारी मेहनत करिए और जाइए अपने सपनों के ड्रीम मेडिकल कॉलेज। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।